नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जस्ट फैन 24 स्लॉट जिसकी आज हम रिवाइंडिंग करेंगे, तो उसमें कितने नंबर का वायर है, कितने इंची उसमें कोयल है और कितने उसमें टन है, वही आज आपको मैं वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये एग्जस्ट फैन मोटर है, तो ये जल चुकी है, तो हम इसकी आज रिवाइंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको ये बता दूँ कि इसका जो रोटर है वो कितने एमएम का है। तो हम इस पहले रोटर को नाप लेते हैं एक बार। तो इसके रोटर का जो साइज़ है तो ये देखिए, ये रोटर का साइज़ आ रहा है इसका, लगभग 33-34 mm के, 32-32 mm इसका रोटर है। तो दोस्तों अब मैं इसकी ब्लेड बता देता हूँ आपको कि इसकी ब्लेड की जो साइज़ है वो कितने mm है, कितने इंची है। तो हमको इसको इस तरह से नापना होता है। तो ये देखिए 16.5 inch इसकी ब्लेड आ रही है, 16.5 inch इसकी ब्लेड है। तो दोस्तों इसका जो स्टेटर है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों ये उसका स्टेटर है और आपको मैं बता दूँ कि ये, तो दोस्तों ये सोमैक्स कंपनी का एग्जस्ट फैन है। तो आपको मैं इसका रिवाइंडिंग डेटा बता देता हूँ, इसका आरपीएम बता देता हूँ। आरपीएम इसका 1300 है और ये देखिए आप देख सकते हो आरपीएम 1300 और। तो दोस्तों आज हम इसकी रिवाइंडिंग करेंगे, तो इसमें रनिंग में कितने नंबर का वायर लगाएंगे और कितने उसमें टन होंगे और कितनी इंची कोयल होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं 27 नंबर वायर नीचे लगाने वाला हूं और स्टार्टिंग में 28 नंबर लगाएंगे। तो रनिंग में कितने टन होंगे, कितनी इंची कोयल होगी वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो हम कोयल की साइज़ ले लेते हैं, तो हम फर्मा को एडजस्ट कर लेते हैं और उसकी जो लंबाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी आएगी लंबाई 27.5, तो हम 27.5 पे लगा लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप 27.5 inch कोयल हमको बनानी है और इसमें हमको 27 नंबर वायर लगाना है और 100 टन इसमें हमको लगाने हैं। तो चलो कोयल स्टार्ट करते हैं। तो हमको वायर खोल लेना है, आप देख सकते हो 27 नंबर वायर और हम कोयल बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें हमको 4 सेट बनाने हैं, 4 कोयल बनानी है और 100 टन एक कोयल में हमको लगाने हैं और 27 नंबर इसमें वायर है। तो हमारे मीटर काउंटिंग कर रहा है, आप देख सकते हो। तो हमको 100 टन लगानी है। तो ये हो गए 100 टन। तो दोस्तों हम इसको पहले कोयल को बांध लेते हैं ताकि दूसरी कोयल में वायर ना जाए। तो हम दूसरी कोयल बनाना स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से 4 कोयल हम बना लेंगे और बाद में हम रिवाइंडिंग करनी है। तो पहले हम कोयल बना लेते हैं। तो दोस्तों ये 4 कोयल कंप्लीट हो चुकी है, तो हम फर्मे से बाहर निकाल लेते हैं और हम रिवाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 104 में हमको एक बार घुमाना है तो फर्स्ट का सिरा इस साइड को हमको रखना है। तो मैं इस साइड से रखता हूँ, तो मैंने इस साइड में रख दिया है। और अब हमको क्या करना है, इस पर स्लॉट पेपर लगा लेने, इस तरह स्लॉट पेपर लगा लेना है, हल्का सा थोड़ा बड़ा रहना चाहिए ताकि इस पर कोयल आसानी से और आ सके, पर जो कोयल आएगी वो टच नहीं होगी रनिंग से। तो इस तरह पर भी हमको लगा लेना है। अब हमको दो बार कोयल को घुमाना है।
तो दोस्तों एक बार हमने कॉइल को घुमा दिया है, अब हमको दो बार कॉइल को घुमाना है। तो हम किस तरह से घुमाएंगे, हम इसको इस तरह से घुमाना है दोस्तों, इस तरह से पलट के इस तरह से लगा देना है। तो दोस्तों इस तरफ भी सैलोट पेपर हमको लगा लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो हमने कोयल का जो नाप लिया था वो बिल्कुल सही है, और ना ही तो कोयल बड़ी है और ना ही छोटी है। तो दोस्तों ये कॉपर वाइडिंग है, और मैं आपको टन एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें 100 टन हमने लगाए हैं, 104 में एक बार है और 106 में दो बार। तो इस तरह से हमको कोयल डालना है, तो चारों कोयल हम डाल लेते हैं, बाद में स्टार्टिंग में डाल के आपको बताऊँगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने चारों कोयल इसमें डाल दिया है। अब मैं आपको एक बार सीरीज बता देता हूं कि इसकी सीरीज किस तरह से घुमाई जाती है। तो यहां से जो वायर निकला, ये लीड वायर है, तो यहां से जो वायर निकला वो आगे की तरफ गया, ये देखिए ये आगे की तरफ गया। अब यहां से जो वायर निकला वो यहाँ पर पीछे की तरफ से है, तो यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ से जो निकला वो यहाँ आ गया, अब यहाँ से जो निकला वो आगे की तरफ गया, और ये दोनों लीड वायर हो गए। दोस्तों अब हम इसमें डॉक्टर टेप लगा लेते हैं, ये अच्छी क्वालिटी की डॉक्टर टेप है, तो हम ये लगाने वाले हैं, तो ये लगा लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्टर टेप हमने लगा ली है। अब हम इसमें, तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, जो स्टार्टिंग हम बनाएंगे तो आधा इंची हमको छोटी करनी है, यानी कि पहले 27.5 थी, तो हमने अब 27 इंच की कोयल बनानी है, और 110 टन हमको लगाने हैं, और 28 नंबर इसमें हमको वायर लेना है। तो 28 नंबर वायर लेना है, 110 टन लगाने हैं, और 27 इंची इसमें कोयल बनानी है। तो चलो कोयल बनाते हैं। 27 इंची, तो आप देख सकते हो दोस्तों 27 इंची की कोयल हमको बनानी है, और 28 नंबर हम वायर लगाना है, और 110 टन इसमें हमको लगानी है। तो कोयल स्टार्ट हम करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो 28 नंबर वायर है, तो हम इसको खोल लेते हैं रील को। पहले हम जीरो कर लेते हैं, काउंटिंग चल रही है और कोयल हमारी बना रहे हैं, तो हमको 110 टन इसमें लगाने हैं। कोयल को हम बांध लेते हैं और चारों कोयल बना लेते हैं, फिर रिवाइंडिंग करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हमने 27 इंच की जो कोयल बनाई थी वो बिल्कुल अच्छे से आई है, ना ही तो लंबी और ना ही छोटी है। तो दोस्तों मैं इसके भी टन आपको बता देता हूँ कि इसमें 100 टन हमने लगाए हैं, तो 104 में एक बार घुमाया है और 106 में हमको दो बार घुमाया है। तो उसी तरीके से जो हमने रनिंग डाली थी, उसी तरीके से इसको भी डाल लेना है। दोस्तों इस तरह से रिवाइंडिंग की जाती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे।